जिन्हें मरने के तैयार हो और मोहब्बत में सबको लुटाने को तैयार है, मोहब्बत में जान भी देना पड़े तो दे दो और कोई इबादत मत दो, इबादत से कुछ नहीं हो, इतना इबादत कुछ कर पाओ। अरे 50 साल होते होते तो इसी कमर से जाने होगा, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, क्या इबादत है? दुनिया कमा लिया तब चले मस्जिद, जब सब काम हो गया 60 वर्ष 70 वर्ष तब जा रहे हैं, निकलने जा रहा है, कभी उठल में जा रहे हैं, कैसे इमाम साहब खड़ा हो गया कभी बैठे हो क्या हो रहा है? अरे बोला, अरे भारत का टाइम जवानी में है, लज्जत जवानी में इश्क है, इश्क की जो लज्जत है, चाहे दुनिया का इश्क हो या दिल का हो, लज्जत इश्क जवानी में। बुढ़ापा में क्या करेगा? बुढ़ापा प्रधानमंत्री बन गया तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा लज्जत किसी तरह का कंट्रोल तो है, इसलिए लज्जत इश्क जो है जवानी में, इबादत करने में जवानी में ही इबादत तो कामयाब होता है, बुढ़ापा कुछ नहीं होता, इसलिए बुढ़ापा को मिल नहीं करते चार लोग आगे क्या करेगा? और जवान को अभी तौबा करके इबादत करेगा तो मकबूल होगा, बुढ़ापा माँ के बाहर आ गया हाँ आप लोग कर लिया तो करके क्या करें, सब कुछ करेगा ही। एक बार हमारे वालिद मोहतरम के बाद दो आदमी आए राजगीर में लेकर फिर को कर लिया जाए, अब मौजूद ने कहा कि लोगों क्या करेंगे? अरे कहता है कि बूढ़ा सुधा बोझ मानता है, हम तो भाग्य अब क्या करेगा, इसलिए बूढ़ा नहीं करेंगे, जो करना है जवानी में दुनिया पाना है तो इंजीनियर बनना है बन जाओ, तुमको पी एच डी करके जो करना है बन जाओ, लेकिन अगर तुमको दिन पाना है तो जवानी में जरा, जितने भी बुजुर्गाने दिन जवानी में आवाज किए हैं और 91 साल उम्र हो गया तब शादी की है, मंगोल खुशी से या मेरी 91 साल उम्र हो गया तब शादी की, यानी हिसाब काम इधर कर लिए, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं तेरे शादी हो जाएगा, आबादी हो जाएगा, घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, तब आ जाएंगे इधर, अब इधर क्या करें, अब सब कुछ कर दिया, अब इधर क्या करें? नहीं, इसलिए नौजवानों को खास करके जनाना चाहिए और देश की दौलत को पाना चाहिए। सभी लोग कितने नौजवान हैं यहाँ, करीब करीब 50-60 नौजवान हमारे साथ हैं, सबको हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि नौजवान नौजवान सब कुछ कर सकता है, जिस पार्टी में नौजवान रहेगा उसी का भेज बड़ा क्या भेज देगा, नौजवानों के हम नौजवानों को करते हैं, नौजवान बड़ा क्या करेगा।